ये डेट शीट है किसी के सामने? सबसे पहले कौन सा पेपर? तो ऑटो, उसके बाद क्रॉस में है छुट्टी एक दो? दो नहीं, बस एक है, एक आध दो तो काफी। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट से आवाज आ रही है, ऑनलाइन स्टूडेंट से मेरी आवाज आ रही है सर? ये को कल से रिलेटेड कंफ्यूजन स्टार्ट करेंगे, लेट्स स्टार्ट। चले सर, इधर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात जरा कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 5 निकालो। क्या पढ़ा था सर कल? एक मिनट देख के चीजें जल्दी से ढूंढ के बताएं, क्या क्या पढ़ा था? डीडीएल कल क्या क्या बातें हुई है सर? फाइव स्टेप मॉडल्स देखा, मॉडल देखा था मैंने, ठीक है, उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन, एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। अगर ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट करने पड़ जाए तो स्टैंड अलोन प्राइसेस को बेस बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा टाइम वैल्यू मनी पे आ गया, तो नहीं तो इसमें कहाँ तक बात पहुंची? एग्जाम्पल पेज नंबर 4 तक हो गया, ये समझ आ गया था ये डिवाइड बाय 2 क्यों हुआ? सॉरी, अगले पीरियड में दोबारा 909 में प्लस क्यों नहीं हुआ? बोले अपने लफ्जों में, तो बोले चले एक एग्जाम्पल और करें पेज नंबर 5 पर। शाहिद लिमिटेड सोल्ड अ प्लांट टू अ कस्टमर ऑन 1 अक्टूबर 2001 फॉर ₹300,000 पेबल एट द एंड ऑफ 30 सितंबर 2002। अ मार्केट रिलेटेड इंटरेस्ट रेट इज 10%। रजिस्टर खोलो, जनरल एंट्रीज करवानी है। जी सर, फर्स्ट डेट का, फर्स्ट डेट बता दे कोई का दिया। 1 अक्टूबर 2001, डबल एंट्री शुरू हो जाए सर। पेड रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट। बस अब पेन रुके ना प्लीज, बताएं कैसे? -3 लाख × 1+0.1- बताएं, जान दे यार, कितने साल बाद? 2 साल बाद अमाउंट आ गई 247,934। डन, ये रेट आपका 31 दिसंबर है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की लाइन, ये रेट इज 31 दिसंबर। इकट्ठे सारे शुरू किए कि नहीं यार, क्या हो गया? इकट्ठे होते होते मतलब बस मिलने लग जाते। 31 दिसंबर 2001, इस पे क्यों रुके?
कैसे कितना? 24794 इंटू 10% प्रेजेंट वैल्यू इंटू 10% इंटू 3/12 6198 की फाइनल एंट्री। नहीं सर जी जरूरत नहीं है, पहले तो हेड बनाने की बजाय डेटर से ही रिसीवेबल हो गया। इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट 6198। तीन महीने बाद क्यों रुके? ये रेंड ना था तो कब रुकते, जब कम से कम साल गुजरता था शायद, साल बाद नेक्स्ट ईयर एंड। नहीं एक मिनट, नहीं नेक्स्ट ईयर एंड 31 दिसंबर 2002 जहन में रख के वर्किंग करें। डेट क्या होनी चाहिए? 30 सितंबर की हो। अब 30 सितंबर में बाकी 9 मंथ्स का रिकॉर्ड होना है और उसके बाद फिर साल गुजर जाने के बाद कंपाउंड होना। तो अब 31 दिसंबर पे शायद रुक के एक दफा एंट्री करना मुनासिब नहीं है। 30 सितंबर पे पहला साल पूरा हो जाए, करवाएं कैसे बच्चे? शुरू कैसे करें यार? 247934 प्लस 6198 ना करें, 3 महीने का था क्या? 3 महीने बाद कंपाउंड में 30 सितंबर फिर ईयर एंड आने से क्या हुआ? 3 महीने गुजरे हैं क्या? 3 महीने बाद ही अगली अगले 9 मंथ्स का इंटरेस्ट रेट कंपाउंड में, साल अगर ना पता तो साल के बाद कंपाउंड में। तो साल तो अभी गुजरेगा, सिर्फ ये जो सालाना इंटरेस्ट है 3 मंथ्स और 9 मंथ्स में डिवाइड हो रहा है। 7934 लिख ईयर एंड की वजह से रुकना पड़ा है 3 महीने बाद, तो क्या अगले 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आप पिछला इंटरेस्ट मिला के आएगा? कंपाउंडिंग साल के बाद होगी अनलेस बता दे कि क्वार्टरली हो रही है, फिर तो मुझे 9 मंथ्स इकट्ठे भी नहीं करने, फिर मुझे 31 मार्च में फिर रुकना पड़ता, फिर कंपाउंडिंग करता। मंथली हो रही थी तो हर महीने रुकना पड़ता, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ईयरली कंपाउंडिंग होगा, तो ईयर अब खत्म होगा, काउंटिंग ईयर नहीं, पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड। ठीक है, तो फाइनली बोल देंगे दोबारा 247934 मल्टीप्लाइड बाय और मल्टीप्लाइड बाय 9/12 क्यों? 3 महीने का पहले हो गया था, बाकी रिमेनिंग है बस। ट्रेड रिसीवेबल्स है, इंटरेस्ट रेवेन्यू 12,185 31 दिसंबर 2002 पे रुकने की फिर वजह इंडा कौन से? 3 महीने और गुजर गए, अक्टूबर नंबर 2002 गुजर गए, क्या करें अब बताएं सही? 247934 से ही गेम शुरू हुई थी, अब प्लस पूरे साल का ही करना है, अब डेफिनेटली आपकी चॉइस है दोबारा वर्किंग करनी है प्लस का, प्लस करना, कंपाउंड हो जाएगा सर। अब कैसे? प्लस 6198 प्लस 18595 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय कौन से? 3 अक्टूबर नवंबर करें,
ट्रेड उसी पर सेट है। इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट बाय रुपीज 6818। ये ठीक है पढ़ा ऑनलाइन स्टूडेंट, सब क्लियर? आप भी क्लियर है? जी सलमान साहब क्लियर है? नहीं सलमान कभी कभी यहाँ होता है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ भी नहीं।
स्टार्ट कर दे। जी आपने, आप लोगों ने कर लिया? बड़ा इस आवाज ठीक है। ये आवाज प्लीज सही हुई है? चलें जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। 31 दिसंबर 2002 तक एंट्री कर ली थी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, 31 दिसंबर 2002 तक समझ आ गया था सर? ये 3/12 सबका क्लियर है। चलिए जी, बाइंडर करवा। नेक्स्ट डेट कौन सी लिखी आप लोग बता रहे? 30 सितंबर 2003 पे क्या करेंगे? वही दोबारा 9/12 होगा। अब ये जो 6818 है, ये दोबारा इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कब शामिल होगा? एनुअल कंपाउंडिंग है, तो मीन्स से शायद 247934, मतलब जस्ट इसलिए एंट्री लिखता हूँ तो बात क्लियर हो जाएगी। प्लस 18595, सिर्फ हुआ ये है कि जो 10% हुआ था वो पूरे साल का था, लेकिन ईयर एंड आ जाने की वजह से वो 3 मंथ्स और 9 मंथ्स में सेग्रीगेट हुआ। फाइनली एंट्री बोल दो रिसीवेबल है इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 204455, और एक लास्ट एंट्री लिखना पैसे जब रिसीव होंगे बैंक या कैश डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स बैंक या कैश डेबिट।
ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बाय रुपीस 3 लाख हो जाए बल्कि कहना जी पूरा ये है चेक कर लेना होगा सर पेज नंबर 6 पे आ रहा है अभी देखो अब हमने ये दो एक दो एग्जांपल देखे हैं कल से इसमें ये था कि सेल शुरू में हुई है स्टार्ट में सेल हो गई है और पैसे इकट्ठे आने हैं और बाद में आने हैं इकट्ठे लेकिन आने हैं क्या इंस्टॉलमेंट्स का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है यस सर एग्जांपल और पढ़ पे नंबर 6 कस्टमर परचेज एन आइटम कस्टमर परचेज एन आइटम ऑन 1st January 2001 टू बी पेड फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years एंड ऑफ द ईयर 2001, 2 and 3 अब यहाँ एन्यूटी नहीं लग सकता वजह अमाउंट डिफरेंट होगी सालाना है डिफरेंट होगी प्रेजेंट वैल्यू है जी सर कैलकुलेटर पर पहली एंट्री बोलेंगे अब ये चाहे आप नोट ना करें मतलब मेरे ख्याल लेकिन आपके पास फिगर्स है मैं लिख देता हूँ आप लोग सिर्फ मेरे साथ रिवाइज कर लेना पहली डेट डबल एंट्री कॉन्सेप्ट मेन सेम साथ साथ रहेगा ट्रेड रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट कैसे कैसे प्रेजेंट वैल्यू आएगी 40,000 इनटू इनटू 1 + 0.1 - 1 अलग अलग क्यों करना पड़ रहा है अमाउंट डिफरेंट है 1 + 0.1 - 2 और प्लस 29,700 1 + 0.1 - 3 सॉल्व कर दे बस करो जी सर 1 lakh डबल एंट्री क्या होगी फिर 1 lakh की रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट ठीक है ये मुमीन जरा देखो कि कैमरा सही हो रहा है इसका मैंने इसका ऑन किया 10 मिनट ऑन किया सर इसका डिस्प्ले ठीक है सर नहीं उधर से तो नहीं आएगा मैं इधर से बस जी नेक्स्ट एक डेट बोल देना क्या हो गया यार चक्कर में ना पड़ जाएगा मुझे आता है अगर आता तो करवा दो सीक्वेंस बनाया जरा इसमें गेम है जी एक साल गुजर गया क्या एंट्री करेंगे ट्रेड रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कैसे नहीं मतलब पहली फिगर्स बस बोलते हैं मुझे तो आइडिया हो जाएगा तो सारा क्लियर हो गया ही नहीं कैसे प्रेजेंट वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 10% पूरा साल यस सर और पीरियड का स्टार्ट है 10,000 लेकिन सर अब इसमें जो नई चीज है वही है डेटा देखेंगे इसी डेट पे पैसे रिसीव भी होंगे उसकी क्या एंट्री करेंगे कैश डेबिट 40,000 अब यहाँ ट्रेड रिसीवेबल्स का ब्रेकअप करने की जरूरत क्यों नहीं है क्योंकि उसके अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल है तो 40,000 से एंट्री हो सकती है सर क्यों हो सकती है क्योंकि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट प्लस हो गया था ठीक है तो टोटल अमाउंट से क्या वैसे 40 में इंटरेस्ट होगा सर होगा सर ये क्लियर है बेटा यहाँ तक ठहरे ठहरे पूरी बात सुन लेना आगे पीछे ना जाए ये ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर नेक्स्ट डेट बोले कोई डेटा देख 31 दिसंबर 2 इससे आप कैसे वर्किंग करो ये असल इशू है फिगर्स देखें आप आपके पास आंसर्स भी हैं मैंने इसलिए आप चाहे ना लिखे नीचे देखें कैसे अमाउंट बनाओ 1 lakh जमा 10,000 -40,000 फिगर निकालनी है सर कितना प्रिंसिपल बच गया था
70,000 into 10%। नहीं सर, ये माइनस 40 क्यों हो गया है? पिछले सवालों में तो नहीं हो रहा था, वो साथ साथ नहीं मिल रहा था, वो एक ही दफा एंड में मिल रहा था। एक एंट्री बोल दे जरा, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट अमाउंट बता दें, 7,000। क्या है ये? इंटरेस्ट इनकम 7,000। ये ठीक है हरुण, जस्ट टू रिमाइंड यू, इसी डेट पे एक और एंट्री करवा दें, फिर लिख लीजिएगा, प्लीज लिख लीजिएगा। मैं सिर्फ लिखूंगा, ये मिशन ना बनाएं, मैं सोचूंगा नहीं, मैं लिखूंगा ना करें। 31 दिसंबर 2002 पे भी कुछ पैसे मिलने हैं, एंट्री बोल ही दें आज, इतना याद, क्या उसमें इंटरेस्ट नहीं है? तो फिर अलहदा क्यों नहीं कर रहे? अलहदा कर लिया हुआ है, ये लिख लें, मेरे ख्याल लिखना चाह रहे हैं आप, ये अगला सब फिर खुद लिख लिख लें, लिख लें, लिख लें। यू मैं सब जो दिल करे सब बना। जी सर, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम रेट 2003 पे क्या करेंगे, कितनी बनी है? नहीं आए यहाँ तक, 2700 तक पहुंच गए। और लास्ट में फिर रिसीट जो है 2970, 2970, 2970, 700। बाकी कैलकुलेटर पकड़ेंगे, जिन लोगों ने कर लिया है सारा चेक करें, जरा क्या रिसीवेबल एंड में जीरो हो गए, प्लस माइनस करके चेक करें सारा। असल में ये इंटरेस्ट रेट किस पे लग रहा है?
रिमेनिंग प्रिंसिपल पर, तो अगर उसमें इंटरेस्ट है तो उसमें है, अगर कंपाउंड होना है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये बड़ा ऑनलाइन स्टोर से करनी पता बताना जरा, कंप्लीट हो गए, समझ आ गई सारी बात? देन चलिए इस तरह करें, पहले ये जब अब टाइम वैल्यू मनी की जब बहस शुरू हुई है, पेज नंबर 20 निकालेंगे, पहले जरा इसी को कंप्लीट कर लें। इन एग्जांपल्स में अभी क्या डिस्कस हुआ है, चीजें गई पहले हैं, पैसे बाद में आए हैं, तो क्या अगर पैसे बाद में आए हैं तो डिफरेंस इंटरेस्ट इनकम है? क्या ये सिचुएशन उलट भी हो सकती है? क्या पैसे पहले आए हैं, चीजें बाद में जानी है, उस केस में भी इंटरेस्ट इनकम होगी हमारी, वो क्यों? अगर हम पहले लेंगे तो क्या ज्यादा ले रहे होंगे? हम कम ले रहे होंगे। अगर बाद में हम ले रहे होंगे तो हमें ज्यादा मिल रहा होगा, हिम्मत हिम्मत, अब दुनिया भी कमर्शियल है, दुनिया को भी पता है, कोई हमें अगर एडवांस में पैसे दे रहा होगा और बीच में फॉर एग्जांपल साल या दो साल का टाइम पीरियड है गुड्स देने में, तो क्या हमें वो ज्यादा दे रहा होगा कंपैरेटिवली ये कम दे रहा होगा? क्योंकि उसे भी क्या पता है, जब मैं पैसे दे रहा हूँ ये बैंक में रख के उतने पूरे कर लेगा। तो सिचुएशन को थोड़ा उलट करें, पढ़ना शुरू करना, पेज नंबर 20 पे एक एग्जांपल है। एग्जांपल लिखी हुई थी स्टार्ट पर, दरमियान में तकरीबन स्टार्ट से थोड़ा सुपर ही है। एन एंटिटी रिसीव्ड एन एडवांस 1.5 लाख ढूंढे दोबारा, ये प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर? सर ये प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू है, ये आज प्रेजेंट वैल्यू है, इसे जरा फ्यूचर वैल्यू बना सकते हैं आप? बनाए जरा, कैसे बनाएंगे? नहीं माइनस बटा नहीं करेंगे, अभी कंपाउंड करेंगे। ये माइनस का कॉन्सेप्ट क्या है? माइनस क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू बनाना, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू बनाना। अब 1.5 लाख आज की फिगर है, ये कंफर्म है, पहले आज की फिगर, इसे कहां लेके जाना है? दो साल बाद लेके जाना, तो फार्मूला वही है, फार्मूला वही है, कौन सा फार्मूला है? 1+ इंटरेस्ट रेट, लेकिन पॉजिटिव एन क्यों हो जाएगा? आगे जाना है, पॉजिटिव एन यहाँ है कितने? 2 है, आंसर बता। 1685540, असल में ये वो अमाउंट होगी जो 2 साल बाद रिसीवेबल होगी, नहीं हमारे एंगल से रिसीवेबल होगी, है कम होगी, 2 साल बाद हमें ये मिलना होगा, लेकिन हमने अपने कस्टमर से कहा होगा हमें आज ही दे, उसने हमें यही क्यों नहीं दिया होगा? उसने भी कहा होगा कि मैं अगर आज ही दे रहा हूँ तो वो जो 168 है आज के कितने के बराबर है? 150,000 के बराबर। तो हमें कितना मिलना है 2 साल बाद अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, लेकिन अगर आज मिला तो कितना मिला? लिख के कीजिएगा जरा, बताएं पहले एंट्री क्या करें, डेट्स लिख के जरा करें मेरे साथ साथ। कैश डेबिट जी, ऑनलाइन स्टोर ठीक है, मान लिया 50,000 ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बस ठीक है, बस थोड़ी हल्का सा आवाज का थोड़ा इशू आया था, मैं थोड़ा ठीक हो गया,
1,50,000 डबल एंट्री ओके, बस एक करवा दे दूसरे पर बाकी आप समझेंगे बात। 31 December 15 अब आपने सिंपली फिलहाल ये बताना है कि सेल कब रिकॉर्ड होगी 31 December 16 पे, वो क्यों? क्योंकि डिलीवर होंगी तो सेल रिकॉर्ड होगी। लेकिन एक और चीज, अब वक्त गुजरने से हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होगी ज्यादा होगी, बस ये सोचते हैं बाकी समझ आ जाए। अब टाइम वैल्यू मनी से, इन्फ्लेशन से अगर हमारा रिसीवेबल बना हुआ, तो टाइम वैल्यू मनी से हमारा रिसीवेबल बढ़ रहा था, रिसीवेबल बढ़ रहा था तो इनकम हो रही थी। वर्किंग कैसे करेंगे? वैसे ही, प्रेजेंट वैल्यू टू रेट, रेट 6%। एंट्री कैसे बनाए? अनअर्न्ड इनकम पहले बेटा क्रेडिट कर लें, ताकि आपको पता चले डिफरेंस किधर आ रहा है। और अब इंटरेस्ट इनकम क्यों नहीं है? हमें कम मिला पैसा, टाइम वैल्यू मनी की वजह से कम पैसा मिला है। उसने अनवाइंड होके, अनवाइंड बर्ड याद है, खुल के अनवाइंड होके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेंस बनना। ये क्लियर है प्लीज? ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, बाकी वाइंड अप करें अगला साल करें। लेकिन नेक्स्ट ईयर की अनवाइंडिंग कैसे होगा? फिर कंपाउंडिंग होनी है, 150 में कितना ऐड हो जाएगा? तो कंपाउंडिंग का बाय डिफॉल्ट क्या सेम रखें? एनुअल इनटू 6% इज इक्वल टू, नाइन फाइव फोर जीरो। ठीक हो गया? लेकिन इसी डेट पे दोबारा रुके नहीं, अभी स्टेट पे क्या डिलीवरी होनी, गुड्स की डिलीवरी होनी, तो बोर्ड पर देखा। असल में हुआ सिर्फ क्या है, पैसे हमें पहले मिल गए तो वो देर पर कम मिले, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के वजह से जो कम मिले वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है। आगे बढ़े, अब यह एंट्री क्या होगी? अनअर्न इनकम डेबिट, हाँ जी रेवेन्यू क्रेडिट, लिखने की जल्दी ना करें। अनअर्न इनकम डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट बताएं कितने से? 168 540। क्या हमारी वैसे सेल प्राइस यही होगी? 150 सेल प्राइस होगी हमारी या 168 होगी? हमने क्यों 150 ले लिए? दो साल पहले ले लिए हमने। लेकिन एक चीज साथ और भी सेम रखें, अगर डेटा अवेलेबल हो तो फिर क्या इस दिन कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट वगैरह भी होगा? वो किस दिन होगी? जिस दिन सेल होगी, तो सेल के साथ फिर अगर इन्फॉर्मेशन हो तो ये परपेचुअल सॉर्ट ऑफ स्टोरी भी सेम रखनी है। लेकिन ये एंट्री किस अमाउंट से होगी? जो कॉस्ट हमारी मैन्युफैक्चरिंग की होगी, वो अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन अगर वो अवेलेबल हो तो आपने कंडीशन को भी साथ ज़हन में रखना। एक सेकंड के लिए अगर फर्ज करें वो पिछले सिनेरियोस में हम चले जाएं, जहां मशीन शुरू में बेच रहे थे, तो कॉस्ट ऑफ सेल कब रिकॉर्ड करेंगे? सेल के साथ। तो अगर शुरू में बेची है, गुड्स दे रही है, तो उस दिन कॉस्ट ऑफ सेल, और अगर एंड में दी है तो कॉस्ट ऑफ सेल का लिंक किससे है? सेल्स के साथ है। तो कंडीशन आप पूरा करें। जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बस कर यार, बस कर, गुजर जाएगा, क्या होगी? कभी आगे, कभी पीछे, कभी बाहर, कभी क्लास, क्या होगी इतनी थकावट? सारी रात पढ़ते रहते हैं, सही है बेचारा पढ़ रहा था। जी कर लीजिए, लिख लिया तो बताना ना जी ऑनलाइन स्टूडेंट।
जी डी नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, पढ़ते पढ़ते कभी कभी जहन उधर निकल जाता, कैश फ्लो नहीं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है भी एक दो जहन में। ये क्या वर्ड्स दिखे हैं, नॉन कैश क्या मतलब, कंसिडरेशन किसे कहते हैं, मुआवजा किसे कहते हैं, नॉर्मली मुआवजा कैसे मिलता है, कैश की शक्ल में, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख, कंसिडरेशन। कभी कभी कैश के अलावा भी लिखा हुआ नॉन कैश consideration to determine the transaction price for the contract in which a customer promises consideration in the form of in the form other than cash entity shall measure non cash consideration at fair value at the time of earning of revenue underline kar in the words dekhe kisi ne goods bechi hai usne kaha mere se kisi company ke shares le le aap agree kar gaye आपको क्या मिलेगा, क्या शेयर हमें मिलने हैं, हमसे जाने हैं, तो शेयर डेबिट होने हैं, क्या होने कैश क्रेडिट, चीजें बेच के ले रहे हैं, ये जादू कर रेवेन्यू क्रेडिट, क्या की बजाय क्या डेबिट होना, कैश की बजाय कोई कंसिडरेशन डेबिट होना, शेयर डेबिट होना, अब कितने पे शेयर रिकॉर्ड करें, फेयर वैल्यू पे, किन के फेयर वैल्यू पे, जिस दिन ये रेवेन्यू आता है, किसने कहा मेरी व्हीकल ले ले, तो व्हीकल डेबिट किस अमाउंट से, फेयर वैल्यू से, तो अदर देन कैश अगर मिला, ब्रैकेट पढ़ना जरा, दो तीन एग्जांपल्स, अगर अदर देन को कैश मिला, अदर देन कैश को कंसिडरेशन मिली है, कुछ शेयर्स मिले हैं, व्हीकल्स, मशीन एक्सेट्रा, तो आप उसे किस दिन की फेयर वैल्यू पे मेजर कर लेंगे, जिस दिन अर्निंग हुई है रेवेन्यू की, एक एग्जाम्पल देखा जरा, an entity a decides to ab game on hone lagi hai achanak ye choti choti example se ekdam aap mujhe na badi dur to choda ra concept clear kare an entity a decides to take a contract to perform consultancy that would normally be valued at 50,000 entity a determines that the services is a single performance obligation kya ek se zyada bhi performance obligations hoti hain allocation ka koi problem ya nahi aayega Entity A agrees to receive 1,000 shares of customer company B are valued at 50 a share. Treats the services. आप सारे शेयर वर्ड जोड़ के ये बताएं 52 हमसे 50 हमसे रहेंगे। ये ऑनलाइन से मेरा पार्टिसिपेट करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेशन है 52 या 50 जाने दे गुस्सा ही यार व्हाट इज द फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ अर्निंग ऑफ रेवेन्यू था कि अर्निंग होगी अर्निंग ऑफ रेवेन्यू कब होगा अर्निंग ऑफ रेवेन्यू कब होगी जब सर्विसेज दे देंगे या जब तो सर्विसेज कब दी हैं तो देयरफॉर रेट कौन सा लेंगे 52 फर्स्ट फरवरी वाला कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे 1000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 52 तो किस दिन की फेयर वैल्यू दोबारा बोलना प्लीज एट द टाइम ऑफ व्हाट कॉन्ट्रैक्ट नॉट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट एट द टाइम ऑफ अर्निंग ऑफ रेवेन्यू अर्निंग ऑफ रेवेन्यू कब होती है रेवेन्यू अर्न कब होता है सर रेवेन्यू कम कब अर्न कब होता है अगर गुड्स हो तो जब गुड्स ट्रांसफर होते हैं और अगर सर्विसेज हो तो वो भी ट्रांसफर होते हैं गुड्स लेकिन गुड्स डिलीवर होकर ट्रांसफर होती हैं शायद और सर्विसेज रेंडर प्रोवाइड होकर ट्रांसफर होती हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जब सेटिस्फाई होती है तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन गुड्स की कब सेटिस्फाई होती है जब हम गुड्स डिलीवर करते हैं ठीक है और नंबर 2 अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो सर्विसेज की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई हो जाएगी जब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे नेक्स्ट पेज consideration payable to customer ye online students ikatthe padh please online students ikatthe hain is reading kya likhi hui sir consideration payable to customer consideration payable to customer
सेकंड, बुक से पढ़िए प्लीज। कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर के पहले एक ट्रांसलेशन कर लीजिए। कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर से मुराद यहां के नहीं, पहले हेडिंग सर, पहले हेडिंग। नॉर्मली तो वर्ड इस तरह नहीं है, कंसिडरेशन रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर, कस्टमर से कंसिडरेशन लेनी होती है या कस्टमर को कंसिडरेशन देनी होती है सर? देनी होती है, लेनी कस्टमर से कंसिडरेशन लेनी होती है। पेएबल टू कंसिडर कस्टमर वाली बात नहीं है, कस्टमर ने हमें पे करनी होती है कंसिडरेशन। यहाँ हेडिंग क्या लिखी हुई है? कंसिडरेशन पेएबल टू अ कस्टमर, नॉर्मल सिचुएशन है या हटके? अगर हटके इसके पहले एग्जांपल देखें, एग्जांपल 16। जेजे एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मेट्रो कैश एंड कैरी। मेट्रो कमिट्स टू बाय एट लीस्ट 20 मिलियन ऑफ आइटम्स ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ्स। द टर्म्स ऑफ, इसको अंडरलाइन कर दो, द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर, द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर, क्या रिक्वायर? जे जे, हु इज जे जे? सेलर एंटिटी, सेलर, सेलर, सेलर बाय, किसने खरीदनी है चीजें? मेट्रो ने खरीदनी है, जेजे ने बेचनी है। पहले ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर लो। यस सर। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर जेजे टू मेक अ पेमेंट ऑफ 1 मिलियन टू कंपनसेट द मेट्रो फॉर चेंजेस इट विल नीड टू बी मेड टू इट्स रिटेल स्टोर टू अकोमोडेट द प्रोडक्ट्स। तो मेट्रो कैश एंड कैरी टाइप या बड़े बड़े इनको स्टोर्स है रजेन में लाया। किसी सप्लायर ने चीजें दी हैं और तो उन्होंने रख के बेचनी है, तो समटाइम्स हो सकता है कि बायर ये कहे ठीक है मैं आपकी चीजें रख के बेचूंगा, लेकिन जहां रखनी है वो रैक्स के पैसे आपने देने। अदर रैक्स ध्यान में रखते, रैक्स समझ आ जाएगा? यस सर। एरिया दोबारा पढ़, मतलब जिस एरिया में जो चीजें रखनी है वहां रैक्स नहीं बने हुए, तो रैक्स बनाने के पैसे सेलर देगा। फॉर एग्जाम्पल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स क्या? जेजे टू मेक अ पेमेंट ऑफ 1 मिलियन टू कंपनसेट द मेट्रो फॉर चेंजेस दैट इट विल नीड टू मेक टू द रिटेल स्टोर्स। रिटेल स्टोर्स का मतलब जहां पे वो जहां रख के उसने बेचनी है। तो ये क्या है? ये तो उन्होंने, ये तो है कंसिडरेशन रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर जेजे के एंगल से डिसीजन हमारा। 1 मिलियन आप बोले क्या है? पेबल, चलो मैं ही बोल रहा हूँ। 1 मिलियन है कंसिडरेशन जो पेबल है बाय एंटिटी टू कस्टमर। yes. इसका क्या करें? हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड? सवाल पेबल अलहदा एक्सपेंस रिकॉर्ड करना या इन्हें आपस में नेट ऑफ करना? हमें कितना मिलना है? 20 मिलना है। हमने कितना देना है? तो सवाल क्या उठ गया यहाँ कि क्या कंसिडरेशन अगर पेएबल है किसी कस्टमर को तो उसे नेट करके रेवेन्यू रिकॉर्ड करें या 20 मिलियन को अलग रेवेन्यू और 1 मिलियन को अलग एक्सपेंस रिकॉर्ड करें? सवाल ये है। आई स्टैंडर्ड पढ़ सकते, कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया जी प्लीज? यस सर। तो कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर इंक्लूड कैश अमाउंट्स दैट एन एंटिटी पेड और इज एक्सपेक्टेड कर दी है या पे करनी है। पहली बात, an entity shall account for the consideration payable to the customer as a reduction from the transaction price. Simply means kya kare? Yahan tak ho sakti hai wo puri kare. 20 million 1 million ka kya kare? Net karke kya karenge aap? 19 million. Iska zara answer padh jara. Rupees 1 million paid to the metro is a reduction of the transaction price and a revenue of 19 million. Kaise bana? 20 minus 1 will be recorded on satisfaction of the performance obligation, means over a period of
ट्वेल्व मंथ्स जैसे जैसे फिर चीजें जा रही होंगी वैसे वैसे फिर 19 मिलियन रेवेन्यू बन रहा होगा। यहाँ तक समझ आ गई सर? दोबारा ऊपर जाए काइंडली, जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है, क्या पढ़ा यहाँ तक? एंटिटी शैल अकाउंट फॉर द कंसिडरेशन पेएबल टू द कस्टमर एज अ रिडक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस। बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा यहाँ तक क्लियर है? लेकिन इसके साथ ये भी एक एक्सेप्शन है। इफ हाउएवर, अभी तक प्रिंसिपल ये है कि अगर हमने पैसे रिसीव करने हैं और कुछ हमने देने भी है एज अ सेलर, तो हम क्या करें? नेट करके रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर अब कंसल्टेशन से पढ़ते हैं, इफ हाउएवर payment to a customer is in exchange for data transfer, then simply record the purchase of these goods or services separately. मतलब अब इसका ये है कि अगर फर्ज करें 20 मिलियन हमने लेना है क्योंकि हमने गुड्स देने हैं, और 1 मिलियन हमने मेट्रो को इसलिए देना है क्योंकि हमने भी मेट्रो से कुछ चीजें या सर्विसेज लेनी है। एक ये है कि हमने कस्टमर को कंपनसेट करने के लिए को पैसे दिए, कस्टमर का कोई एक्सपेंस है जिसे कंपनसेट करने के लिए हमने पैसे दिए, तो उस केस में तो हम नेट कर लेंगे। क्या जेजे ने पैसे कुछ कंपनसेशन के तौर पे दिए थे? और सर दिए थे सर। लेकिन अगर इस 1 मिलियन के अगेंस्ट को कस्टमर से चीजें हमें मिलनी है, तो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज लेनी है, हमने कोई गुड्स बेचनी है 20 मिलियन उसका लेना है, और कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हमने वहां से लेनी है और देयर फॉर 1 मिलियन देना है, तो देन सिंपली फिर क्या होना चाहिए? 20 मिलियन अलहदा रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा और 1 मिलियन अलहदा परचेज के तौर पे रिकॉर्ड होगा। तो अगर कंपनसेशन के तौर पे पैसे दे रहे हैं तो नेट करके रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें, लेकिन अगर गुड्स एक्सचेंज होनी है, आपको भी मिलनी है पैसों के अगेंस्ट, तो सेल अलहदा इवेंट है और परचेज अलहदा इवेंट है। किस किस को अलहदा अलहदा रिकॉर्ड करें? सेल को अलहदा और परचेज को अलहदा। लेट मी फिनिश, दोबारा पढ़िए सेंटेंस। इफ हाउएवर क्या, तो फिर उसको क्या करें? परचेज के तौर पर रिकॉर्ड। तो पूरा प्रिंसिपल जरा कर लिया पढ़ने, और अपने लफ्जों में प्लीज थोड़ा सा इसलिए बोले ताकि जरा ज़हन में सेट हो जाए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी बात को समझाइए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बड़ा बात कुछ समझ आ गई है? अब अपने वर्ड्स में इंग्लिश में बोल देंगे, एक मेरी रिक्वेस्ट के तौर पर, चाहे देख ही हो। अपने वर्ड्स में जरा बोल देंगे या एंटिटी शैल अकाउंट फॉर द कंसीडरेशन पेबल एज अ रिडक्शन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ट्रांजैक्शन प्राइस इफ हाउएवर द गुड पेमेंट इज मेड in exchange for goods and services from the customer to the entity, then simply record the purchase separately. Any confusion finally? जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन? Then sir इस तरह करें, छोटा सा अब आज एक होमवर्क इसका अगर रखना, इसके सारी दे देंगे यार, ना करें यार। पेज के एंड पे 21 ये एक्शन मिल गई। दिस प्रॉब्लम ब्रैकेट होने, दिस प्रॉब्लम विल अराइज इफ मोर देन, क्लियर है ये बात? अगर एक ही कोई आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उसी से रिलेटेड है, लेकिन अगर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं तो फिर आपको ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट करनी है। कैसे एलोकेट होती है? दोबारा पढ़ लें लास्ट सेंटेंस। एन एंटिटी शैल एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ रिलेटिव, क्या स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट पेज पे है।
स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कैसे कहते हैं, देखते जाए पेन हाथ में पकड़ते जाए, गेम ऑन करते जाए. प्राइस एट विच एंटिटी वुड सेल अ प्रॉमिस गुड और सर्विस सेपरेटेड टू अ कस्टमर. छोटी छोटी एग्जांपल्स करना जरूरी है. एग्जांपल नंबर 17, सेपरेटली वर्ड याद रहेगा नहीं? Yes, sir. अपने लफ्जों में अगर बता सके स्टैंड अलोन प्राइस क्या चीज है. अगर हम चीजें इकट्ठी बेचने की बजाय अलग अलग बेचते तो कितने पे बेचते हैं? ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट साथ ही आता है. एग्जांपल नंबर 17 खुद से सॉल्व करें. डेटा देखें और वर्किंग करें. कैलकुलेटर यूज पकड़ें. छोटी छोटी वर्किंग्स टिप्स पे लाएं. There are two performance obligations by the name of car and service. Standalone prices 24,000, 3,000, total हो गया 27,000. Transaction price कितनी है 26,000. Discount कितनी है 1,000 है सर. किससे related है? अगर हमें नहीं पता तो दोनों से related है और देयरफॉर एलोकेट हो जाएगी. कैसे? 24,000 डिवाइड बाय 27,000 मल्टीप्लाई बाय 26 कर लेंगे सर. व्हाई दिस एलोकेशन इज इंपॉर्टेंट, ये भी शायद ज़हन में होना चाहिए. क्योंकि कार का रेवेन्यू डिलीवरी पे रिकॉर्ड होना है और सर्विसेज का साथ साथ रिकॉर्ड होना है. ठीक, ओके. एग्जाम्पल 18 करें. जी सर, डन है सर. ये टेबल जो बना हुआ इसके नीचे तो लाइनें लिखी हुई, उनको अंडरलाइन करें. इन दिस ट्रांजैक्शन देयर इज एन इनहेरेंट डिस्काउंट ऑफ 100. सही कह रहा? यस सर. व्हिच डजंट रिलेट्स टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड देयरफॉर रीएलोकेटेड टू. तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा, अभी आगे ही बातें आ जानी है. सम टाइम्स अगर एग्जामिनर कहे कि ये किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है तो फिर शायद मैंने कल भी बात की थी, फिर आप एलोकेट करने की बजाय सिर्फ एक में से माइनस कर देंगे. ओके, देन सर आ जाए आगे. हेडिंग आ गई, मेथड ऑफ, मिल गए, एस्टीमेटेड स्टैंड, एस्टीमेटिंग स्टैंड अलोन प्राइस इफ इट इज नॉट अवेलेबल. मतलब हमने कहा कि अगर ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना है तो किसकी बेस पे कर दें? लेकिन अगर स्टैंड अलोन प्राइसेस ना हो तो फिर उनको एस्टीमेट करने के तीन तरीके हैं. हेडिंग समझ गए? इफ स्टैंड अलोन प्राइस इज नॉट अवेलेबल, क्यों ऐसे अवेलेबल नहीं है ये भी सोचना था. शायद हम अलग अलग चीजें बेचते हैं. हमने जब भी कभी गाड़ी बेची है तो फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज साथ बेची. हमने जब भी कभी प्रिंटर बेचा है तो साथ कंप्यूटर के भी बेचा है. तो इसलिए कभी इतफाक नहीं हुआ कि सेपरेटली कितने पे बेचते. तो उस केस में अगर एलोकेशन करनी पड़ जाए तो देर आर हाउ मेनी मेथड्स. फर्स्ट टाइम से दोबारा शुरू करें. स्टैंड अलोन प्राइस इज नॉट अवेलेबल मे बी बिकॉज एंटिटी डो नॉट सेल द गुड्स और सर्विसेज सेपरेटली. देन एस्टिमेट इट बाई यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. पहले इन मेथड्स के सिर्फ नाम बोल रहे हैं. Adjusted market assessment approach, expected cost plus approach, and
रेजिडुअल अप्रोच। अब इसको एज इट इज इंग्लिश में पढ़ने से हम मुश्किल में फंस जाएंगे, एग्जांपल्स के साथ साथ बेस बनाना है। एग्जांपल 19 में आ जाए, उसमें मार्केट असेसमेंट अप्रोच पहले समझ लें, फिर इंशाल्लाह इंग्लिश में वर्ड्स पढ़ते हैं। अब मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड टू कस्टमर अ टेबल एंड अ कंप्यूटर फॉर रुपीज 13,000 इकट्ठा। यस द स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ द टेबल इज 5,000 एंड द स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ आवर कंप्यूटर इज नॉट अवेलेबल। ठीक हो गया। yes. किसकी अवेलेबल नहीं है? Computer. अब अगर बेटा अवेलेबल ना हो तो फिर एक तरीका ये हो सकता है, आगे पढ़ना। इन मोस्ट रीसेंट कस्टमर सर्विस आर कंप्यूटर हैज बीन गिवन अ रेटिंग ऑफ 3 out of 5 points एज अगेंस्ट 4 out of 5 points टू द कंपेटिटर्स कंप्यूटर। ठीक है, 3 out of 5 4 out of 2 रेटिंग भी लग रही है। स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ द कंपेटिटर्स कंप्यूटर इज 12,000। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मार्केट असेसमेंट अप्रोच आप यूज करेंगे तो इसका मीनिंग ये है कि आपको अपने एसेट की अगर प्राइस नहीं पता तो आप मार्केट में सर्वे करें और कंपेटिटर्स जिस प्राइस पे अलग अलग चीजें बेच रहे हैं उनको यूज कर लें। तो समझ आई मेरी बात? हमें क्यों नहीं पता, हम अलग बेचते नहीं, क्या करें? मार्केट से पता कर लें लोग कितने पे अलग अलग बेचते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर लोगों की चीज की वर्थ कुछ और है, हमारी कुछ वर्थ और है, तो अकॉर्डिंगली फिर एडजस्टमेंट करें। एडजस्टमेंट वर्ड जहन में रख के समझ आई मेरी बात कुछ? कहां से प्राइस उठा लें? मार्केट से। अपनी नहीं है तो मार्केट से देख लें, लेकिन मार्केट में जो प्राइस है उसको ये देखें वो किस तरह की चीजों की है, और अगर हमारी चीजें उससे डिफरेंट है तो अकॉर्डिंगली फिर उसमें एडजस्टमेंट करें। 12,000 ढूंढना पड़ेगा। 12,000 क्या है? कंपेटिटर की, कंपेटिटर के कंप्यूटर की प्राइस है। तो इसे हम एज इट इज यूज कर लेते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये 4 रेटिंग वाला है, 4 रेटिंग वाला है। हमारा कंप्यूटर 3 रेटिंग वाला है। तो क्या कंप्यूटर की प्राइस के मुताबिक? बिल्कुल आसान सा काम हो जाना है अगर आपने मेरे वर्ड सुने। 12,000 की रेटिंग क्या है? 4 बटा 5। ठीक है, वो 5/2 तो दोनों का ना। 12,000 चार रेटिंग की बेस पे है और हमारा कंप्यूटर 3 रेटिंग की बेस पे है। तो क्या इसे मैं वर्कआउट कर सकता हूँ कि हमारे कंप्यूटर की अप्रोक्सीमेटली प्राइस क्या होगी? yes, sir. आपने सिर्फ मुझे बताना है कि मैं डिवाइडेड बाय क्या करूँ, वजह 4 रेटिंग के बराबर। डेफिनेटली 4 × 5 करके क्या निकाला जा सकता है? वो निकाला जा सकता है जिसकी हाईएस्ट रेटिंग होगी, और सिंपली मल्टीप्लाई बाय 3 करके क्या निकाला जा सकता है? ये डिवाइड बाय 4 सबको क्लियर है? डिवाइड बाय 4 सबको क्लियर है? क्यों? जो फिगर जिसके बराबर होती है उसे डिवाइड कर लें, और जो फाइंड आउट करना उसे मल्टीप्लाई करें। अपने हाथ से वर्किंग साथ साथ लिखो। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आई? तब एक सेकंड के लिए अगर लिख ली वर्किंग तो पीछे पेज पे जाएं जरा, और इंग्लिश में भी जरा 2 वर्ड्स पढ़ लेना दोस्त जुमले। एन एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच मींस प्राइस एट विच द सेम गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड सेपरेटली बाय द कंपेटिटर्स इन द मार्केट। लेकिन अगर वो सेम ना मिले तो फिर क्या करें? उसमें एडजस्टमेंट करके यूज करें। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस थी, टेबल, कंप्यूटर, किसकी स्टैंड अलोन प्राइस अवेलेबल थी? कितनी? 5,000। कंप्यूटर की अवेलेबल नहीं थी तो क्या लिखना है उसके सामने? 9,000 या 12,000? टोटल हो गया। आप सिर्फ ये बता दें टोटल की बेस पे एलोकेट किसने होना है? 13,000। कैलकुलेटर पकड़े, फिगर सॉल्व किया गया। हाँ जी, 4643 समथिंग एंड 8 3 समथिंग, 4643 एंड 8357। क्या ना हो तो क्या करके
अपनी वर्किंग पूरी कर। मार्केट असेसमेंट अप्रोच से कंपेटिटर की सेल प्राइस को अपनी सेल प्राइस समझ लें, लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट की जरूरत हो तो कर लें। फर्ज करें उसका भी 3/5 दिया होता तो अगर एडजस्टमेंट की जरूरत पड़े तो करें। दोबारा हेडिंग देने में रखिएगा पिछले पेज की। इस वक्त हम पढ़ अब क्या रहे हैं? नहीं, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं कि अगर स्टैंड अलोन प्राइसेस नहीं है तो उनको एस्टिमेट करेगा। तरीका नंबर एक मार्केट असेसमेंट, लेकिन एक तरीका नंबर दो भी है, सेकंड मेथड है, उसको भी समझने के लिए पहले नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल पे आ जाए। कॉस्ट प्लस अप्रोच, नेक्स्ट पेज के मिड तकरीबन एग्जांपल मिल गई। यस सुहेल, सेल अ मशीन एंड 1 year फ्री टेक्निकल सपोर्ट फॉर 1 lakh, फॉर 1 lakh। इट यूजुअली सेल्स द मशीन फॉर 95,000 बट डजंट सेल टेक्निकल सपोर्ट फॉर द मशीन, फॉर दिस मशीन एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट। क्या मतलब? जब भी कभी मशीन बेचते हैं तभी शायद सर्विसेज देते हैं, सिर्फ सर्विसेज देना शायद हमारा काम नहीं है। ऐसे ही सर, अदर सपोर्ट सर्विसेज ऑफर्ड बाय सुहेल अट्रैक्ट मार्कअप ऑफ 50%। व्हाट इज 100? सॉरी, व्हाट इज 100 यार? व्हाट इज 50? प्रॉफिट। व्हाट शुड बी 150? सेल प्राइस। इट इज एक्सपेक्टेड दैट टेक्निकल सपोर्ट वुड कॉस्ट 20,000। अभी कॉस्ट प्लस अप्रोच सिंपली क्या हो सकती है कि सेल प्राइस अगर नहीं पता चला था तो सिंपली क्या करें, जो खर्चा होना है उसको बेस बना लें, और अगर कोई मार्कअप मार्जिन गिवन हो तो उसकी बेस पे क्या निकाल लें, सेल प्राइस निकाल लें। कैसे निकाल लें? कैलकुलेटर पढ़ लें। 20,000 सिर्फ डिवाइड बाय बता दीजिएगा यार, प्लीज बता दें यार। मल्टीप्लाइड बाय यार 150, वाई डिवाइड बाय 100? मार्कअप है यार, कॉस्ट है यार। व्हाट इज 30,000? किसकी सेल प्राइस, किसकी स्टैंड अलोन प्राइस? टेक्निकल सपोर्ट की। व्हाट इज द स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ द मशीन? 95,000। व्हाट इज द स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ द टेक्निकल सपोर्ट नाउ? 30,000। व्हाट इज द टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस? 1 lakh। तो हम टेक्निकल सपोर्ट की स्टैंड अलोन प्राइस तक कैसे पहुंचे? कॉस्ट प्लस अप्रोच। ओके, ये भी एक तरीका हो सकता है। अब इसका नीचे ना पूरा सॉल्यूशन पढ़ना है आपने, और जो इंग्लिश है वो भी पढ़नी है, और देन एक टेबल फाइनल पर, और जरूर करना है। ये वर्ड्स बार बार पढ़ के ही ध्यान में रखने रहने हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पर वर्किंग से क्लियर। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, बाकी डिफरेंट फिर क्वेश्चन में देखेंगे कि किस मेथड से हमसे वर्किंग करवा रहा है। इस सॉल्यूशन में जो थर्ड पैराग्राफ है वो जरूर हाईलाइट करना और इसे बार बार ध्यान रखना। अगर नहीं पता कि डिस्काउंट किसके रिलेटेड है तो फिर वो होल बंडल के लिए ही होगी। बंडल किसे कहते हैं? दोनों का भाई, जितनी भी चीजें इकट्ठी, इकट्ठा, बंडल, बंडल ऑफर, बंडल ऑफर। एक ही चीज होती है उसमें, कम से कम दो तो होती होंगी। बंडल बोलते नहीं वैसे, बंडल उसे डील बोलते हैं। बंडल खास तौर पे लफ्ज उसी के लिए सर, उसी के लिए, जिसके बगैर हमारा सांस रुक जाता है। इंटेंजिबल है क्या ये बंडल? एसेट है, लाइब्रेरी या बता दो, बंडल एसेट है या लाइब्रेरी, आप से सोचो। रिपीट किया सामने मास्क हटा के, नहीं गेम ऑन किया अपने लेकिन मास्क लगा के रखिए, रहने दे, कोई ऐसा नहीं किया, मास्क लगा लें कोरोना जी। सर कॉस्ट प्लस अप्रोच पढ़ने के लिए पिछले पेज पे ना जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर, कॉस्ट प्लस अप्रोच क्या है सर?
estimate the cost and then add appropriate profit based on markup या margin जो percentage दी हो. Then एक सर एक C भी है, residual approach. इसको भी समझने के लिए पहले next page पे example करते हैं. ये end पे शुरू हो रही है, page number 23 से. Manufacturer produced and sold a customer a computer, printer and a scanner package for 1250. क्या क्या सर? He has determined that these are three separate performance obligations. क्यों? तीन लेता लेता मतलब कंप्यूटर देना एक और काम है वो देना और. And regularly sells the printer for 300 and the computer for 700. This is the first time manufacturer is going to sell scanner and standalone price of the scanner is not available. Allocate the price to separate performance obligations. जो मैं बात करने लगा हूँ बड़े गौर से ध्यान से आप सुननी है. बेहतर मेरा ख्याल है कि पढ़ लिया डेटा आपने, मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ. आप मुझे ये बताएं कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कौन कौन से? कंप्यूटर, प्रिंटर एंड स्कैनर. किस किस की स्टैंड अलोन प्राइस पता है? कंप्यूटर कंप्यूटर की 700 है, डेटा आगे पीछे जरा. प्रिंटर की 300 है. और किसकी स्टैंड अलोन प्राइस नहीं पता? स्कैनर की नहीं पता. यहाँ तक ठीक है? ये मैंने क्या लिखा 700 300? स्टैंड अलोन प्राइसेस में लिखते. तो एक तरीका बेटा ये है, बल्कि पहले हम बाकी तरीके भी रिवाइज करें. एक तरीका तो ये है कि स्कैनर की मार्केट प्राइस कंपेटिटर से पता कर लें, मार्केट में सर्वे करवा लें, और अगर हमारा स्कैनर की क्वालिटी उससे ज़रा डिफरेंट है तो अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करने की भरपूर कोशिश करें. नंबर टू, स्कैनर की कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर लें, तो ये भी हो सकता है. हम ये तीसरा इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर ये भी हमसे कह सकता है. तो फॉर एग्जाम्पल आप पहले दो में इंटरेस्टेड नहीं है, कौन कौन से में? एडजस्टेड मार्केट अप्रोच एंड कॉस्ट प्लस. तो एक तीसरा तरीका बिल्कुल सिंपल सा क्या है, जिनकी स्टैंड अलोन प्राइस अवेलेबल है उनकी स्टैंड अलोन प्राइस ही को ट्रांजेक्शन प्राइस समझ लें. रिपीट कर देंगे सेंटेंस? यस सर. क्या उनको ट्रांजेक्शन प्राइस ही समझ लें? आप मुझे सिर्फ ये करें जरा डेटा में कहीं से देख के टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस बताएं. 1250 क्या है टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस? किन की क्या को मैंने क्या समझ लिए? कंप्यूटर और प्रिंटर की स्टैंड अलोन प्राइस को मैंने ट्रांजेक्शन प्राइस समझ लिया है. टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस क्या है? तो बैलेंसिंग फिगर किसकी ट्रांजेक्शन प्राइस के तौर पे निकाल लें? किसको क्या समझ लें और कहां से लेस करके क्या निकालना? स्टैंड अलोन ट्रांजेक्शन प्राइस समझ लें जिनकी अवेलेबल है और टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस में से माइनस कर दें, आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी. लेकिन ये डेफिनेटली कोई अच्छी अप्रोच नहीं है, और इसमें अगर एक से ज्यादा चीजें बच जाएं तो फिर डेफिनेटली हम सॉल्व नहीं कर सकते. लेकिन हमें पता होना चाहिए ताकि एग्जामिनर अगर कहे तो हम कर कुछ सके. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अच्छा एक वर्ड भी है रेजिडुअल, इसका लिखे जरा मीनिंग. कभी बचपन में भी सुना होगा आपको, तो एग्जाम नहीं थी इंट्रो. रेजिडुअल प्रॉफिट का मतलब होता है रिमेनिंग, बचा कुचा जो बच जाए. रेजिडुअल बल्कि रेजिडुअल वैल्यू भी वर्ड है यार, वो क्या चीज होती है जो यूजफुल लाइफ के एंड में बच जाए, बची कुछ ही वैल्यू. तो रेजिडुअल मींस रिमेनिंग अमाउंट जो बची है. तो क्या किया मैंने, पता ऐसे किया जो रिमेनिंग बच गई उसको किधर एलोकेट कर दिए? सभी किधर एलोकेट कर दिए? एक बार सेंटेंस रिपीट कर दें इधर हम अपने लफ्जों में पहले, फिर बाद में इंग्लिश में पढ़ते हैं. नहीं नहीं पहले ये पहले यार, चले ठीक है आपने पूरा बोला. मैं रेजिडुअल अप्रोच की बात ही कर रहा था कि मतलब जिनकी स्टैंड अलोन प्राइस अवेलेबल है उनकी स्टैंड अलोन प्राइस ही को ट्रांजेक्शन प्राइस समझ लें, और जिनकी अवेलेबल नहीं है उसकी असल में देखें हमने तो ट्रांजेक्शन प्राइस निकाल ली थी ना. स्टैंड अलोन प्राइसिस की बेस पे करना क्या था? ट्रांजेक्शन प्राइस को एलोकेट करना. तो ट्रांजेक्शन प्राइस 1250 है, 1000 किस किस का सम है? कंप्यूटर प्रिंटर का. तो बैलेंसिंग फिगर किसकी ट्रांजेक्शन प्राइस आ गई? ठीक है जी, अब जरा इंग्लिश में पढ़ लेंगे क्या लिखा.
An entry may estimate the standalone selling price by reference to the total transaction price 1250 less the sum of observable नजर आ रही standalone selling price of other products. किस में से क्या निकाल रहे? टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस में से स्टैंड अलोन प्राइसेस का सम लेस करते हैं टू गेट दैट ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट जिसकी अवेलेबल नहीं. सही? एनी कंफ्यूजन? चले मेरे ख्याल आज इतना, बाकी इंशाल्लाह कल करते हैं. होमवर्क होना चाहिए सर, और होमवर्क से मुराद फिर ये है कि IAS 21 का सुना आपने, पढ़ा IAS 21? नहीं नजर पड़ी? आज सर जिस तरह करें कोई जरा अनयूजुअल सी चीज जो पुरानी सी होगी, उस दिन भी बल्कि मुझे महसूस हुआ था. IFRS 8 पे आए Page 311 पर, जैसे वो फाइनल अकाउंट्स का सवाल कर रहे थे तो काफी ज्यादा फंसे फंसे महसूस हो रहे थे. काफी पुरानी बात होती जा रही है, तो इसमें इस तरह करें, 2-3 क्वेश्चन जरा रखना यार. पेज नंबर है 321, एक तो रख लें क्वेश्चन नंबर 3. लेकिन आप जरा कोशिश करें, मेरा ख्याल है अभी इतना मुश्किल चीज नहीं है. अगर रिवाइज करके कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेने की कोशिश कर लें, वो टेबल शेबल जो रिकंसिलिएशन के बनता है, एक ये रख लें. बाकी जरा दो पेजेस पढ़े, जरा पेज नंबर 325 326. गोहर ही है मेरा, नहीं 321 था पहले, और दो पेजेस और है. कौन से कह रहा हूँ? 325 326. तो 15-20 मिनट जरा इस पर भी लगाइएगा, IFRS 8 के एंगल से. बाकी डेफिनेटली आपको टाइम मिले तो आप जो चाहे वो करें. जी डेफिनेटली, अगर कोई आपका एक्स्ट्रा पॉइंट था तो मेरे ख्याल वो फिर क्लासेस के बाद कोई टाइम रख सकते हैं. इस वक्त मेरा ख्याल है शायद आपके लिए भी मुश्किल है, मेरे लिए भी जरा. तो अगर कोई पिछले टॉपिक्स में कोई पॉइंट आ रहे हैं तो वो मेरे ख्याल आप नोट करते रहे, इंशाल्लाह फिर कोई एक दिन इकट्ठा ही रख लेंगे. कुछ चीजें मैंने भी बल्कि डिस्कस करनी है अभी, ठीक है? तो आप लोग पॉइंट्स अगर आ रहे हैं किसी चीज में तो नोट कर लीजिए. अल्लाह हाफिज.